ये टूट
समझने में समय लगेगा, जैसे मीटिंग कौन सा लेंथ है, क्या बोल रहा है और
होती है वो किस तरीके से
ऑयल नहीं रहा, जब कोई लैंड नहीं रहता तो ऑयल होता है यानी खाली है। जैसे ही आईसी लगेगा वैसे ही रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या चेक करना है, चार्जिंग लगा के वोल्टेज चेक करना। अब यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे, वोल्टेज दिखाने से पहले हम ये आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसमें जो ऑफ होता है और क्या ऑफ होगा। बता दे, छोड़ दें बिट्टू जी, बताए या छोड़ दें। तो ये क्या हुआ हमारा चार्जिंग आईसी में इनपुट हो गया भी बस यस या नो, हो गया ना। यू नो 900 आईसी बदलाया, उसके बाद आईसी का नंबर लिखा पीएमआई 8952। तो क्या हमारा आईसी जो लगा था वो पीएमआई 8952 है? यहाँ पे भी
एक बनेगा और यहाँ पे आकर के बीपीएससी फाइनल करेगा और इसके साथ डायोड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको वैल्यू बतलाते चलते हैं। सबसे पहला ये जो कैपेसिटर है, यहाँ देखिए ये क्या है, कैपेसिटर 3903, क्या है 3903, पर हर कैपेसिटर में आपको ग्राउंड मिलेगा। ये कैपेसिटर दोनों तरफ पीला है जैसे रेजिस्टेंस होता है। अगर इसको अभी हम निकाल देंगे तो चार्जिंग वोल्टेज बनाना और छोड़ देंगे। तो ये कैपेसिटर एनी हो आपको लगा रहना चाहिए। वो कैपेसिटर जो दोनों तरफ से ग्राउंड नहीं है वो समझ जाइएगा कि कुछ कैपेसिटर है, चाहे लैच में हो, चार्जिंग में हो, ग्राफिक में हो, किसी में हो, जो कैपेसिटर में दोनों तरफ से ग्राउंड नहीं है वो बूस्ट कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर दोनों तरफ से ग्राउंड नहीं है, यानी कि ये चार्जिंग का बूस्ट कैपेसिटर है, क्लियर है। इसके बाद ये डायोड पे आया तो डायोड अभी हमारा खुला हुआ, कॉल पे आया, कॉल पे आने के बाद देखिए यहाँ पे पूरे मोबाइल में मकड़ी के जाल की तरफ फैल गया। किस किस को फैला? सीपीयू एमसी को नहीं किया, बाकी सभी को किया। यही प्राइमरी लाइन का लाता है और यही चार्जिंग आईसी से निकलता है हमारा। अब यहाँ पे हार्डवेयर में दिखा देते हैं कि ये जो इतनी ओल झोल बतलाया वो सारे चीज का नक्शा खींच के बतलाया है कंपनी ने। यहाँ से इनपुट होते हुए कॉइल से बाईपास होते हुए, ये रेजिस्टेंस से बाईपास होते हुए ये चार्जिंग आईसी में इन करेगा और ये कॉइल से आउट करेगा। तो आउट में क्या है, सीधे कॉइल दिखाया गया, ये सीधे डायोड दिखाया गया, ये कैपेसिटर नहीं दिखाया गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा, VPH पावर 3.7 और यहाँ पे बतलाया कि 3.7 घटके जाएगा, कितना आएगा 7। अंदर ये यहीं तक जाएगा। ये हमारा मेन काम क्या है, चार्जिंग। ये डाटा सीट किसका खोला है, चार्जिंग का ना। तो ये कंपनी वाले ने चार्जिंग का डाटा सीट बना के छोड़ दिया। चार्जिंग का काम इतना ही है, चार्जिंग लेवल यूजली इतना। ये रेड कलर की लाइन जा रही है इसमें दो बिंदु में दिए, तो ये यहाँ पे एंड कर दिया, पर ये पूरे मोबाइल में फैली हुई है, ये प्राइमरी लाइन है। अब बेचारा ये पूरी लाइन को घुमा फिरा करके इसी में छह जगह और जाएगा तो वापस घुमा के देगा तो आप उधरा नहीं दीजिएगा कि चार्जिंग का लाइन कौन सा है। जैसे इसमें उधरा देते अभी लीजिए, ये आउट कर दिया, अब कहाँ कहाँ दिया देख लीजिए। अब इतने सप्लाई को थोड़ी जोड़ सकते, चार्जिंग मतलब चार्जिंग वो आपको समझाया, पावर मतलब पावर समझाया। कहीं भी आप जाकर चले जाइए, नेटवर्क के पास चले जाइए, ये कैपेसिटर है उस पर चेक कर लीजिए, यहाँ पर चेक कर लीजिए, पावर के पास अगर पावर खुला हुआ तो पावर के पास जो सोया हुआ कैपेसिटर है इस पर चेक कर लीजिए, वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पावर के पीछे में भी है उसको भी देख लीजिए। नेटवर्क ऐसी कोई ना कोई लोकेशन तो मदरबोर्ड का सब खुला रहेगा, यहाँ पे चेक कर सकते हैं VPN है या नहीं है। भाई मेरे VPN 3.6 लिख दिया, मतलब पूरे डिपार्टमेंट में 3.6। अब चलिए हम लोग टेस्टिंग के ऊपर चलते हैं, चले। ये तो हो गया आपको बदला दी छोटा सा प्लेटफॉर्म का। अब देखना है कि VPH में आउटपुट वोल्टेज कितना बन रहा है और किसमें बन रहा है। बिल्कुल ठीक बना या नहीं बना, हमने दिखाया ना कि VPH जब भी आउट करेगा तो कॉइल के साथ रहेगा ही रहेगा, डायरेक्ट नहीं रहेगा। हाँ, और इसके साथ में एक डायोड भी रहेगा। कहिएगा सर कॉइल इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, पर इस कॉइल से मतलब नहीं है। ये कॉइल के साथ डायोड रहेगा और डायोड का पहचान है कि ग्राउंड से रहेगा। देखिए यहाँ डायोड है,
डायोड है, फैट है, डी है, जो एक कट ग्राउंड है, ये हमारा VPS निकालेगा। ग्राउंड वाला। हाँ। वो वाला मूलाइट। मूलाइट का। तो ये पहचान है आपका कि जो डायोड लगा हुआ है, उसमें जो एक कट अगर ग्राउंड है, तो वही VPS का लाइन है। ठीक है? समझ पाए किशोर जी? तो ये डायोड ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। और ये भी डायोड, दोनों को डायोड दिया हुआ है, ये भी ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे VPS का वोल्टेज मिल गया। अब मदरबोर्ड में देखिए कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा VPS का वोल्टेज, लेकिन प्राइमरी वोल्टेज जिसे बोला जाता है, ये प्राइमरी बोला जाता है ना कि सेकेंडरी। सेकेंडरी पावर जनरेट करेगा, सेकेंडरी वोल्टेज पावर जनरेट करेगा। और अभी हम आपको दोनों चीज प्रूफ करेंगे कि प्राइमरी वोल्टेज से सिर्फ प्राइमरी बनेगा, सीपीयू के पीछे वाले में वोल्टेज नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही पावर चढ़ाएंगे, वैसे ही सीपीयू के पीछे वोल्टेज हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम आप लोग को अब दिखाना चाहेंगे कहाँ कहाँ पे वोल्टेज मिलता है। अगर आपका चार्जिंग आईसी अंडरग्राउंड है, आप बिना मोबाइल को खोले चेक करना चाहते हैं कि VPS का वोल्टेज ओके है या नॉट ओके है, तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहला
हो गया हमारा क्या बैटरी आज। अब ये दूसरा लाइन हो गया थर्मल का,
चार्जिंग आ जाएगी। अब ये ना, तो ठीक है, कलर चलाइए।
दूसरे बोर्ड में कैसे
है कि आप यहीं पे गौर कीजिएगा, लेकिन जो जितना वैल्यू हमें सर्टिफिकेट में बतला दिया गया है उतने ही रहेगा, उससे ज्यादा कम उपेश नहीं हो सकता। बट हम लोग का मल्टीमीटर क्या है, रोलिंग है भैया, और सेक्शन के लिए यूज नहीं लेते, तो किसी एक सेक्शन में परफेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है या कोई डाउट है? तो आप यहाँ पे अब हम एक चीज फाइनली आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं, दो चीज दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे सीपीओ के पीछे का वैल्यू दिखा देना चाहते हैं और सीपीओ के पीछे का वोल्टेज दिखा देना चाहते हैं। ठीक है, है कुछ रीडिंग? पावर से जाके पीएमसी तक जाता है, एमसी का ऑट बन के आता है।
टाइम जनरेट हो रहा है, एक निकल रहा है दूसरा आउट कर रहा है, आउट में कितना वोल्टेज आएगा वो देखिए 0.86, कितना वोल्टेज होगा 0.86, ये कौन आउट कर रहा है पावर एज, यहाँ पे नाम चेंज हो गया पर यहाँ पे एस फाइव लिख दिया, क्या लिखा एस फाइव, इससे हम पकड़ सकते हैं यही ले या नहीं। अब ले और तो ये कभी किसी को कॉपी करते हैं और इसको पेज करते हैं, अब इसमें हमें क्या बतला रहा वो देखिएगा, यहाँ पे हमें वोल्टेज कितना मिल रहा है, पावर ऐसी खराब है, इसकी प्रूफ क्या है, टाइम पास जरूर कर रहे हैं, यहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए और कितना आ रहा है, यहाँ पे 800 आना चाहिए, 86 आना चाहिए पर ड्रॉपिंग कर रहा है, क्या हो सके आईसी सही से नहीं बैठा हो, अब यहाँ पे तो भाई दूसरी एक हमारा इनपुट सही सलामत है, जरा सा भी ड्रॉपिंग नहीं है, अब चार्जिंग आईसी सही है तो मेरा ड्रॉपिंग नहीं है, लेकिन पावर आईसी ड्रॉप खराब है तो हमारा ड्रॉपिंग है। अब इसके बाद ये तो सीपीओ के पीछे की बात होगी, तो भाई खाली पावर एसी के सीपीओ के पीछे ही वोल्टेज जाता है ये जरूरी नहीं, और कहाँ कहाँ जाता है ये समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एरियल पॉइंट में आपको चेक करना है क्या है 0.0 और दूसरा लें ड्रॉपिंग करना है, यहाँ पे 1.8 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, अब देखिएगा ड्रॉपिंग एक जगह नहीं, पावर खराब है तो सभी जगह ड्रॉपिंग मिलेगा, सभी जगह ड्रॉपिंग मिलेगा,